डीजे बैंड बाजा पटाखे और फूलों की मालाओं से गांव में रौनक। हम कोई शादी या बारात की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सेना के पद से 26 साल बाद रिटायर होकर लौटे जवान का। अपने गांव के ग्रामीणों ने डीजे बाजे फूल माला और पटाखे के साथ स्वागत किया। ग्राम के योगेश मोतेकर ने बताया आज पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बुरहानपुर जिले के 18 किलोमीटर दूर ग्राम खामनी से प्रमोद शामराव मोतेकर सेना में भर्ती हुए थे। प्रमोद मोतेकर ने गांव की शासकीय स्कूल में पहली से आठवीं तक पढ़ाई की, उसके बाद शाहपुर में 12वीं तक पढ़ाई की। प्रमोद मोतेकर ने बताया 1996 महू इंदौर ट्रेनिंग पर गए, उसके बाद मेरी पोस्टिंग सिकंदराबाद हुई, फिर नागपुर, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, जम्मू कश्मीर और पुलवामा में भी मैंने ड्यूटी की। सेना से रिटायर होकर अपने गांव पहुंचते ही गांव वालों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव में युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिला सभी ने फौजी का तहे दिल से स्वागत किया और खुली कार में सेना के जवान को बैठाकर मुख्य मार्ग से पूरे गांव में मान सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सेना से रिटायर होने के बाद एक सभा का आयोजन किया गया। सेना से रिटायर्ड हुए जवान प्रमोद शामराव मोतेकर ने मराठी में मंच से कहा, मैं पूरा देश घूमा हूँ लेकिन ऐसा प्यार मुझे कहीं नहीं मिला जो आज गांव वालों ने मुझे दिया। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को सेना में भेजिए, यह नौकरी नहीं, यह देश सेवा है। मित्र मंडळी, मला या गावातून जाऊन कमीत कमी 26.5 वर्ष झाले आहेत। मी यायचं जायचं काही कोणाला काही घेणं देणं होत नाही, पण गावातील लोकांनी जो सोहळा माझ्या सेवानिवृत्त झाल्याच्या नंतर केला तो मला पूर्ण जीवनभर आठवण राहील आणि त्यांचं मी हार्दिक मनाने आभार व्यक्त करतो। तसेच मी खूप देश भटकून आलो, पण आपल्यासारखे जे राज्य आहे आणि आपल्यासारखे जे ग्रामस्थ लोक आहे ते कोणत्याच राज्यात किंवा कुठंच भेटणार नाही। जेवढं प्रेम आपल्या गावकरी मंडळींनी आणि आपल्या जिल्ह्यातील लोकांच्या मनात जेवढं प्रेम आहे तेवढं शायदच कोण्या राज्यात किंवा कोण्या प्रदेशात भेटणार नाही। आपल्या गावात किंवा आपल्या प्रदेशात सर्व सुखी संपन्न आहे, कोणी सेनामध्ये जाण्याचे इच्छुक नाही आहे, तरी लोकांना मी विनंती करतो आपल्या लोकांना, लेकरांना थोडंसं प्रोत्साहन द्या। ही देशसेवा नोकरी नाही आहे। आपण म्हणतो नोकरी आणि सेवा याच्यात दोन फरक आहे। नोकरी लोकांची गुलामगिरी करून जे कंपनी, फॅक्टरी किंवा दुसऱ्या इतर विभागामध्ये आपण नोकरी करतो त्याला नोकरी म्हणतात, आणि जी सेवा पोलीस प्रशासन, मिलिटरी प्रशासन, जे केंद्र सरकारचे जे सैनिक, अर्धसैनिक हे असतात यांना सेवा म्हणतात। सेवा म्हणजे लोकांची सेवा करणाऱ्यांना सेवा म्हणतात, नोकरी म्हणजे दुसऱ्यांची गुलामगिरी करून नोकरी। तर आपल्या मुलांना लोकांची नोकरी न करता देशाची सेवा किंवा स्वयंसेवक बनवा। गावातील सर्व मंडळींनी, प्रत्येक मुलांनी, आई बहिणींनी मला खूप खूप आशीर्वाद दिला, त्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहो। यासाठी मी पुढे काय बोलू, मी आपलं विराम करतो। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।